الحمد لله رب العالمين نحمد رسول الكريم والمهدي المعود العظيم اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. मोहतरम नाज़रीन और मेरे नौजवान कौम और माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला का एहसान शुकाना जो है बहुत अहम तरीन बात होती है। जो खुदा का एहसान अदा नहीं करता, कम से कम शुक्रिया नहीं अदा करता, वो जो है अल्लाह का बंदा होने का काबिल नहीं है। शुक्रगुजारी की चीज़ जो है अफजल है अल्लाह के पास। अल्लाह कहता है उश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो यहाँ पर गौर करने का मुकाम, ये अय्यामुल तशरीक शुरू होने वाला है कल से, जुम्मे के दिन से तकबीरात शुरू होने वाली है। और जो है एक तरफ हिंदुस्तान में सरकार ने जो है बंद करके रखा है हमारी हर एक इबादत को जो है, लेकिन परवरदिगार आलम तकबीरात के लिए हर घरों में जो है, हर घर में जमातों के साथ तकबीरात गूंजती रहना वो मुकाम पैदा किया है। हर मुसलमान घर में, हर गली और कुंचे में जो है परवरदिगार आलम को तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द, ये तकबीर बा आवाज़ बुलंद अपने घरों में बा जमा के साथ जब नमाज तुम पढ़ते हो, पांच वक्ता नमाज पढ़ते हो, मंगल तक अय्यामुल तशरीक के पूरे दिनों में तुम्हें जो अदा करो, ताकि वो तकबीरों के तुफैल से और तकबीरों के जो है तासीरात से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान को कामयाबी अता फरमाए और ये बला जो फैली हुई है वो बला भी दूर हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मस्जिदों में अगर जमात पढ़ने का मौका नहीं, तो कम से कम जो हमें हमारे घरों में, हर एक घरों में भी, हर एक घरों में जमात के साथ नमाज पढ़ते ही पांच वक्त की जो नमाजों में जो है तकबीरात बावास बुलंद बोलो, ताकि जो है घर भी मुनव्वर हो जाएगा, फरिश्तों की आमदी भी होंगी, अल्लाह और रसूल खुश और मेहदी अलैहिस्सलाम की जो है तुफ़ैल, उसके साथ साथ इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जो है यानी कि जो है हमको जो खुशनूदी भी यहाँ मिलती है, उसके साथ साथ परवरदिगार आलम की खुशनूदी भी हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी नज़ूल होती है। अज़ान मोहतरम, गौर का मुकाम है कि कहीं पहले कहा था कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्रिया कैसा अदा करेंगे? तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए जो है हम जो है आजकल क्या कहते हैं कि जो है हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए कि जो है हमें गौर इस बात की करते हैं कि जो है पहले जो है हम जो है उन चीज़ों से जो है यानी कि उन चीज़ों को गौर फिक्र करते हैं कि जो है ये जो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है कि वो चीज़ जब पसंद करने के बाद, जब रही बात के उसके बाद जो पसंद करने के बाद खाली लफ्ज़ के अतबार से शुक्रिया बोला नहीं, तो हम जो है शुक्रिया अदा करने का जो है सही यानी के तरीक़ा ये है कि जो है यानी के जिस्मानी अतबार से और माली एतबार से और ज़ात के एतबार से भी हो सका, जब मौका मिले तो अपने जो जान को भी कुर्बान करके जो है शुक्रिया अदा करना, ये असल शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा।
और वो हाल नहीं, अल्लाह ताला ने क्या क्या एहसान नहीं किया हमारे पर। सबसे बड़ी बात जो है हमारी सांस, ये सांस अगर जो रुक गई, ये सांस अगर रुक गई तो जो है इंसान जो है मुर्दा बन जाता है। ये सांस कितनी बड़ी कीमती चीज़ है, तो वो सांस में के सांस का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र जो है हमें कहना, ये जो है अल्लाह का जो शुक्रिया अदा करने का तरीका है। उश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम्हें जो है शुक्रिया अदा करो कि जो है तुम्हारे सांसों के जरिए तुम अदा करो, तुम अदा करते ही कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। इसे इमामुना मेहदी अलैहिस्सलाम ने जिक्र कसीर फरमाया, और ताकि जो है जिक्र कसीर जो तुम करो, ताकि जो है तुम अल्लाह का जिक्र हर हमेशा करो, हर सांस तुम्हारी बाहर निकलती है खुदा के नाम से निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि अगर किसी की सांस एक सांस भी बगैर खुदा के नाम से निकलती है वो मुर्दार है। देखो कि आजकल हमारी तुम्हारी सांस कितनी सांसें बेकार हैं, कितने सांसें मुर्दार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर ये सोचता है कि आज हमें जो है क्या करते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाना खाने के बाद जो है डकार आती है, आते ही क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये शुक्रिया खरी अदा करते हैं। तो शुक्र एहसान, शुक्र एहसान बोले से कुछ फ़ायदा नहीं। शुक्र एहसान किसका शुक्रिया किसका एहसान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो भी बात अलग होती। तो यहाँ पर हम जो है ये गौर नहीं करते, मैं खाली ये ख्याल करती खाली शुक्रिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेट पर खाना खाते ही, ये शुक्र अदा करने का नहीं है। वो खाली हमें कर रही सो कंजूसी पैदा करती है, अल्लाह का जिक्र करने में भी कंजूसी पैदा करती है आजकल लोग। एक आदमी जिक्र करने बैठा असर के बाद की नमाज होते ही, यानी कि जिक्र का माना जो है अल्लाह के नाम जो बोलते सुबहानल्लाही अलहमदुल्लाही अल्लाह अकबर 30 पर 3 बार 30 पर 3 बार, और आदमी बोलता नज़दीक आदमी एक बैठा था उसके साथ, और बोलता आखिरी में बोला सुबहानल्लाही ऊँ हूँ। तो उन्हें पूछा है नज़दीक जो बैठने वाला पूछा क्या भाई ये सुबहानल्लाही ऊँ हूँ दो मरतबा बोलना क्यों? नहीं भाई मैं जो है गलत कर दिया, 30 पर 3 बार बोला था सुबहानल्लाह, ये 30 पर 7 बार बोल दिया। वो 2 बार जो बोला ना उसे नफी करने के लिए सुबहानल्लाही ऊँ हूँ बोला। देखो कितना कंजूस है इंसान, अल्लाह के जिक्र में भी कंजूसी पैदा कर, अल्लाह के नाम लेने के लिए भी। तो हमें कहाँ से जो है हमें जो है दूसरी शुक्रिया अदा करेंगे? तो यहाँ पर जो है शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। जब तक हमें शुक्रगुजार नहीं होते अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी इबादतों को जो है वहाँ पे मद्देनज़र रखता है और गौर भी करता है। और सोचो कि जब बदनी इबादत है तो जो है बआसानी के साथ तकबूल कर लेते हैं, जैसे नमाज और रोज़ा वगैरह। माली इबादत आती है तो फौरन जो है हमें चौंक उठते हैं और हमारा मन जो है हल जाता है, और हमारा जो है जी जो है यानी कि काँप जाता है, अरे इतना खर्चा अल्लाह के राह में खर्चा करना क्या, इतना खर्चा करके जो है हमें शुक्रिया अदा करना क्या बोल के। अज़ान मोहतरम जो इसलिए मैं कहता हूँ कि गौर करने का मुकाम है कि जब तक अल्लाह तबारक व ताला के जो है यानी कि इन चीज़ों जो माल एतबार से भी हो और जो है बदनी एतबार से भी हो कि जो है हमें जो है हर रुखत भी जो है अल्लाह का शुक्र बजा लाना ज़रूरी है। जब मौका मिलता है माल खर्चा करके तब भी हमें जो है पीछे नहीं हटना, और जो है जब हमारे को मौका मिलता है कि हमारी जान को भी ये कुर्बान करना पड़ता है तो जान को कुर्बान करने के लिए भी हमें तैयार हो जाना है। तो अल्लाह तबारक व ताला इन चीज़ों को ज़्यादा यानी कि अल्लाह
अपने बंधुओं से जो है इम्तहान लेने के लिए रखा है, इसलिए इसमें एक है कुर्बानी। कुर्बानी जब देते हैं जानवरों की, ये माली एतबार से भी है और जो जान के एतबार से भी है, हमारी तरफ से जान के एतबार से एक बकरी या एक बैल या ऊंट, उसकी जो हमें कुर्बानी अदा करते हैं और उसके साथ साथ जो है माल को भी खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ों से ज़रूरी है यहाँ पर गौर करना है यहाँ पर हमें कि जो है यानी कि माली एतबार से और जो है बदनी एतबार से भी जब मौका मिले तो हमें जो है उस वक्त जो है अल्लाह के लिए शुक्र अदा करने वाले बंदे बनना है, क्योंकि अज़ान मोहतरम कुर्बानी के दिन शुरू होने वाले हैं। ईद उज़ुहा के नमाज के बाद से जो कुर्बानी हमें देते हैं इसके लिए देते हैं कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है वो सुन्नत को जो है ज़िंदा जावीद अल्लाह रखा, इसलिए कि ये मामूली चीज़ नहीं। अज़ान मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये कुर्बानी को भी बहुत बड़ा एक उम्दा मुकाम दिए हैं अपने उम्मत को, फरमाएं कि जो साल में एक मरतबा जब कुर्बानी का दिन आता है तो अपने अहले याल के साथ तुम कुर्बानी दिया करो। अल्लाह के बारगाह में जो साहिब निसाब है, जो साहिब निसाब यानी कि जो ज़कात जिसे फ़र्ज है उन्हें साहिब निसाब कहलाता है, उन्हें भी जो है हर साल जो है कुर्बानी अदा करना अल्लाह के बरगाह में। और दूसरे लोग जिनको माल सहूलत से है और ख़र्च के बजाय जो माल ज़्यादा कसरत से बाकी है कि वो लोग भी यानी कि जो है यानी कि कुर्बानी दे सकते हैं, जानवर कुर्बान दे सकते हैं। बकरा है तो एक शख्स की जानिब से और जो है बैल या ऊंट है तो पांच से लेके सात लोगों के जानिब से। ये आप लोग कल के बयान में सुने उसकी शराइत वगैरह थोड़ा कुछ कि आप मैं कहता हूँ कि कुर्बानी की असलियत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायम कर दी थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके लिए बेहतरीन नमूना है। अज़ान मोहतरम के इस्लाम में मुसलमान जो है खो के ईद मनाता है, कुछ खो के ईद मनाता है। ईद का माना क्या? खुशी मनाने का दिन, खुशी मनाना। तो इन जो अल्लाह का बंदा क्या मुसलमान क्या करता है जब जो है अपना कुछ खो के जो है ईद मनाता है, खुशी मनाता है। दूसरे मुकाम ऐसा नहीं, दूसरे कौम ऐसा नहीं, यानी कि कुछ हासिल करके जो है यानी कि खुशी मनाते हैं उसे ईद कहते हैं दूसरे लोग। इस्लाम का फ़िलसफ़ा यह है कि जो है तुम खो के अपना कुछ खो के माल या जान या जो है बदनी एतबार से कुछ खो के तुम जो है यानी कि ईद मनाओ। लेकिन यहाँ पर हमें खोते भी नहीं, क्या खोते हैं, क्या जानवर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लौते फर्जंद को जो है कुर्बान करने के लिए जो है तैयार हो चुके थे। हमारी कुर्बानियाँ की कुर्बानियाँ ये ज़ान मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जो है एक एक वक्त भी आजमाया गया तो आपकी ज़िंदगी में जो कड़ियाँ आए, एक एक कड़ी आई, जो एक एक कड़ियों में ही इब्राहिम खलीलुल्लाह जो है यानी कि अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जो है उसकी जो मर्ज़ी हासिल करने के लिए अपने को नहीं, बचपन में जो है आप जो वतन छोड़ा, रिश्तेदारी छोड़ी, मुल्क को छोड़ा और जो है आखिरी में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने बाप माँ बाप को कबीले को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो आजमाइश क्या आई, बहुत आजमाइश आए सल्तनत के तवा से नमरूद के जो दौर में जो आए उसमें भी कई जो है आपको जो कई मरहले से आए उसमें जो आजमाइयों की आजमाइश जो है तय करते गए इब्राहिम खलीलुल्लाह, आपका जो है कदम लड़खड़ाए नहीं कुछ मुकाम में भी। जब जो है आपका जो है ज़िंदगी का दौर आया तो ज़िंदगी में जो बीबी सारा को शादी करे और औलाद नहीं था, उसके बाद जो आपने सारा के ही हुक्म से जो है बीबी सारा के ही हुक्म से जो आपने जो है बीबी हाजरा को जो है शादी करे, आपको फजन पैदा हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या किया, वहां भी आजमाया बीबी सारा ने और बीबी हाजरा के दरमियान में जो इख्तलाफ शुरू होने से जो है सारा की मर्जी के मुताबिक
उन लोगों को दूर रखने के लिए बोला, तो अल्लाह तबारक तआला हुक्म के मुताबिक इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने एक लौते फर्जंद, कई सालों के मिन्नतों के मुरादों के बाद मिलने वाली फर्जंद को भी, शिरखुवार बच्चे को भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी, बीबी हजरा को भी जो है बियाबान मुखाम में जगह रेगिस्तान में छोड़ के आते हैं। जब बाप जो बेटा हो के थे, औलाद हो के थे, बाप को रख के अल्लाह बाप की मोहब्बत रख के आजमाया, जब आप बाप बने अल्लाह तबारक तआला जो है क्या किया, आपको जो है अपने औलाद को रख के, औलाद की मोहब्बत को रख के आजमाया। लेकिन उसमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है जीत गए। ऐसा मरहला आया, ऐसा नाजुक वक्त आया कि जो है पूरी अर्श जो है थर थराने का वक्त आया कि अल्लाह का हुक्म के मुताबिक आप अपने इकलौते फर्जंद को जो है जुबा करने के लिए जा रहे हैं ख्वाब के देखने की वजह पर, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है आप अपने इकलौते फर्जंद को जुबा करने, अपने हाथों जुबा करने, अल्लाह का हुक्म, ये खुदा का हुक्म। अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे बंदों को जो है कैसा आजमाता देखो, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की कुदरत भी देख रही है। और जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ऊपर चढ़ के बैठे, आपने सीने पर सवार हो गए, तलवार भी हाथ में ले ली, यानी चाकू भी हाथ में ले ली, और जो है यानी कि जो है छुरी चलने वाली थी, चल गई छुरी, लेकिन अल्लाह तबारक तआला उस नाजुक मौके में एक नबी दूसरे नबी को कत्ल करे, ये अर्श देख रही थी, आसमान थर थराया गया और फरिश्ते कांपने लगे और कहने लगे परवरदिगार आलम के जो है यानी कि एक नबी को एक नबी कत्ल कर रहा है, ये कैसे इंसाफ है तेरा, कि देखने के लिए मंदिर नहीं था वो। तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया कि वो जो इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मुकाम पर अल्लाह तबारक जन्नत से दुम्बे को भेजा, एक जानवर को भेजा, तो आपने काट दिए थे। लेकिन आप सोचे अपना बेटा एक लौटा फर्जंद इस्माइल ज़बह हो गया बोल के, नहीं, अल्लाह तबारक तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम सलाम उठो, तुम्हें आंखें खोल के देखो कि जो है तुम्हारे आंखों के ऊपर पर्दा में डाल दिया था, तुम्हारे आंखें खुले थे, लेकिन तुम जो है खुदा के जात में, मेरी जात में, मेरे में फना हो चुके थे, तुमको बेटा भी कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे तुम्हारी अदा ज़्यादा पसंद आई है इब्राहिम खलील, इसलिए जो है तुम तुम्हारे बेटे को हटा के जो है वहाँ पर तुम्हें जो जुबा कर रही वो क्या है, वो दुम्बा है, मैंने जो भेजा था जन्नत से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसुआ जो है जारी हुए। अज़ाने मोहतरम क्या मुकाम होगा वो, सोचने का मुकाम होगा वो, तो देखे जो है एक तरफ जो है दुम्बा जो है जुबा होके पड़ा है, वो कुर्बानी वो अदा को अल्लाह ताला पसंद किया, ये कुर्बानी वहाँ से शुरू हुई, तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद आया। किसकी अदा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा। कौन सी अदा? अपनी जान से बढ़ के प्यारी होने वाली चीज़ को अल्लाह ताला जब मांगा तो जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह दे दिए। कौन सी चीज़? अपनी प्यारी औलाद, अपनी प्यारी औलाद। कौन आज करेंगे? अगरचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह उस दिन दबा होते तो आज हमारे एक एक घरों में भी हमारा प्यारा फर्जंद कई मिनटों के बाद, कई मुरादों के बाद पैदा होने वाला अपने फर्जंद को हमें ज़ुबा करना पड़ता, नहीं अल्लाह तबारक तआला ने नहीं किया। क्योंकि कैसा करेगा? क्योंकि इस्माइल की ज़ुर्रियत से खातम नबीन रहमतुल आलमीन सरवरे जो अखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, इसलिए अल्लाह तबारक तआला इस्माइल ज़बीहुल्लाह की औलाद से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे, ये भी अल्लाह की कुदरत दिया था, ये अल्लाह की कुदरत थी। वो अल्लाह कैसा करेगा? अल्लाह की कुदरत मुस्कुराती थी, क्या खुशी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना गुतर आए बोल के, ये अदा पसंद आने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास दिलहज की 10वीं तारीख है, बेहतरीन अमल है तो वो कुर्बानी है, वो
कुर्बानी है, कुर्बानी की तरफ कौन सा माला पसंद नहीं करता, क्योंकि जो है ये इसमें जो है स्पिरिट इस्माइल ज़बीहुल्लाह की और इब्राहिम खलीलुल्लाह की भी है, और इसमें जो है हर मुसलमान को जो है वो कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए, कुर्बानी का स्पिरिट पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो है यानी कि चीज़ को जो है यानी कि कायम किया है कि आए मुसलमान तुम अल्लाह के बारगाह में जो मैं कहता हूँ देने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कुर्बानी का नाम आया गया। कुर्बानी का माना क्या? खुर्बत इलाही, अल्लाह की खुर्बत हासिल करना, जो कुर्बान लेते ही। इसलिए हदीस शरीफ में भी और जो कुरान की आयत में भी आया है कि अल्लाह तबारक तआला के पास तुम कुर्बान देते ही कुर्बानी का जानवर का गोश या खून नहीं पहुंचता, बल्कि क्या पहुंचता है कि तुम्हारा तख्वा पहुंचता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है नेक तौफीक अता फरमा और हमको ये कुर्बान देने की तौफीक अता फरमा। और आए लोगों में कहता हूँ वो कि आज के जो बयान में इंशाअल्लाह तआला कल के जो बयान में जो है इखलास हज के बारे में बयान होगा और हज किस लिए किया जाता है और हज का इखलास क्या है करके जो है कल का बयान होगा इंशाअल्लाह तआला। नाजिस बंदा करेगा कि आज कल के दिन से अरफे का दिन शुरू होता है, फज्र की नमाज से तकबीरां गूंजते रहना, बावाज बुलंद करो, बावाज बुलंद तकबीरां कहते रहो कि अल्लाह तबारक व ताला के अर्श भी थर था कि ये बला से अल्लाह तबारक बचाए, और ये इस तरह की एक एक जो है यानी कि मर्दूत की ये सल्तनत से हिंदुस्तान को बचाए और मुसलमान को जो है अल्लाह ताला जो है फतह नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।